गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आई एम प्रमोद जाखड़, संस्कार साइंस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, अपन पिछली क्लास में प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे। प्रायिकता में अपन ने एक पासे को एक बार उछाला था, वो पढ़ लिया था। एक पासे को दो बार उछाला जाता है, वो भी पढ़ लिया था। आज अपन क्वेश्चन करेंगे गेंद और कंचे का, क्योंकि जो प्रायिकता है इसमें मुख्य रूप से चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पासा, दूसरा क्वेश्चन बनता है गेंद या कंचा, तीसरा क्वेश्चन बनता है सिक्का, और चौथा प्रश्न बनता है ताश। ये चार प्रश्न हैं, ये हमारी प्रायिकता में हैं। ये टॉपिक भी चार नंबर का है, बार बार बता रहा हूँ। इसमें एक प्रश्न एक नंबर का आएगा, एक प्रश्न तीन नंबर का आएगा। अपन ने जो पासे वाला है ये कंप्लीट कर लिया। आज अपन गेंद या कंचे की बात करेंगे। तो देखो, गेंद या कंचा सब जानते हैं, गेंद है वो गोल आकृति होती है, और जो कंचा है वो भी गोल आकृति का होता है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे एक बैग में, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि एक बैग में तीन लाल गेंद, दो काली गेंद तथा चार हरी गेंदे हैं। कि एक बैग में तीन लाल गेंदे होगी, दो काली गेंदे होंगी और चार हरी गेंदे होगी, ये हैं। अब इसके आगे पूछेगा कि इस बैग में से एक गेंद यादृच्छा, निकाली जाती है। इसका मतलब है कि एक गेंद यादृच्छा, ये नाम है यादृच्छा। इसका मतलब है कि बिना दिखे, कि जैसे हमारे पास कोई बैग है, इस बैग में से हमने एक गेंद निकाल ली। अब ये पता थोड़ी है वो गेंद हमने लाल निकाली है, काली है, पीली है, ये हमें पता नहीं है। हमने तो बिना देखे, यादृच्छा का मतलब होगा बेटा बिना देखे गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद नंबर एक। अब इससे हमें यह प्रायिकता पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि वो गेंद कैसी हो, लाल गेंद होने की। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल हो। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है हरी हो। थर्ड प्रश्न हमसे पूछ सकता है हरी गेंद ना हो। चौथा प्रश्न हमसे पूछ ले काली गेंद हो। ये प्रश्न हमसे पूछ ले। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को दोबारा समझना है कि हमें क्वेश्चन दिया क्या है। हमें पहला क्वेश्चन ये दिया है गेंद या कंचे का। देखो, चाहे गेंद में यहाँ पे अपन नाम गेंद ले लेंगे और कंचे में नाम कंसा ले लेंगे, फर्क कुछ नहीं है, दोनों सेम है। कि एक बैग है, जो हम स्कूल में बैग लेके आते हैं वो बैग है हमारे पास। उस बैग में हमने लाल गेंदे तीन डाल दी, काली गेंदे दो डाल दी, और हरी गेंदे हैं वो चार गेंदे डाल दी। अब मैं ये कहूँ, इसके आगे पढ़ो आप, इस बैग में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। कि मैं आपसे कहूँ कि इस बैग में से एक गेंद निकालो, यादृच्छा निकालनी है, इट मीन्स बिना देखे आपको वो गेंद निकालनी है बेटा। तो बिना देखे अपन मान लो कि उसमें से गेंद निकालेंगे, तो निश्चित है कि वो गेंद देखो कैसी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, हरी भी। ये अपन कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ी बोल सकते हैं कि ये लाल गेंद होगी, बिना देखे थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसका मतलब हमें यादृच्छा निकालनी है, बिना देखे निकालनी है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद, अब हमें ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए, लाल भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, हरी गेंद ना भी हो,
और काली गेंद हो, ये सब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आंसर में क्या करते हैं हम, जो हमें गेंद जितनी गेंदे देता है, लाल काली पीली हरी जितनी भी हमें गेंद दी है, सबसे पहले वो गेंदे लिखते हैं। तो बेटा देखो कितनी है, लाल गेंद सबसे पहले अपन लिखेंगे, लाल गेंद बराबर, लाल गेंद कितनी दे रखी है हमें, तीन। इसके बाद में लिखेंगे काली गेंदे, काली गेंदे, काली गेंद हमें कितनी दे रखी हैं, दो दे रखी हैं। इसके बाद में जितने भी हमें गेंदे दे रखी हैं वो सभी हम एक जगह लिखते हैं, हरी गेंद ये हैं चार। मैंने प्रायिकता का क्वेश्चन पिछली क्लास में भी बताया था, जब बेसिक आपको समझाया था तब भी बताया था कि प्रायिकता में, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, दोनों एक ही बात है। कि अनुकूल जो हमसे पूछता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुकूल है वो तो हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, लेकिन बटा में क्या आता है, कुल परिणाम। जैसे इसमें, इसमें कुल परिणाम आएगा, इसमें गेंद है तो यहाँ पे लिख देंगे कुल गेंदे। सबसे पहले हम कुल निकालते हैं, कुल गेंद, कुल गेंद कितनी हो गई, तीन और दो पाँच, पाँच और चार कितनी हो गई, कुल गेंदे कितनी हो गई हमारे पास, नौ हो गई। अब देखना हमसे जो क्वेश्चन किया है वो अपन लिखेंगे। सबसे पहले, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो अपन लिखेंगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, मैंने आपको ये बता दिया कि प्रायिकता को हम पी ई से लिखते हैं बेटा, सॉरी ई बार, प्रायिकता न होने की प्रायिकता हो तो उसे ई बार से लिखते हैं, लेकिन प्रायिकता को सिर्फ पी ई से प्रदर्शित किया जाता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है, अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल स्थिति भी बोल सकते हो, उसे परिणाम भी बोल सकते हो, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, कुल स्थिति। देखो दोबारा देखो कि हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक बैग है उसमें लाल गेंदे तीन हैं, काले गेंदे दो हैं, हरी गेंदे चार हैं। तो जितनी भी हमें गेंदे देता है सबसे पहले हम कुल गेंद लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, उसमें कुल स्थिति भी पूछता है, जो बटा में हर में डिनोमिनेटर में आती है, तो वहाँ पे अपन ने नो लिख दी। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एकदम से इजी है। हमें क्वेश्चन पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाली अपने, जो बैग से गेंद निकाली थी वो गेंद कैसी है, लाल है। तो अपन ने लिखा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अब बताओ लाल गेंद होने की अनुकूल परिणाम कितने हैं, क्योंकि लाल गेंदे हमारे पास कितनी है बेटा, तीन है, तो हम लिख देंगे तीन बटे, बटे में कितना है अनुकूल, ये अनुकूल तो लाल गेंद के अनुकूल तीन हो गया, बटे बटे बोलो कुल गेंदे कितनी है हमारे पास, नौ, तो ये हो गया तीन बटे नौ। इसको आगे कट कर दो, तीन एकम तीन और तीन तीन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट इसी के दूसरा हमसे क्या पूछा है, हरी गेंद हो तो अपन जस्ट दूसरा लिखेंगे, आप पूरा लिखना, हरी गेंद होने की प्रायिकता वही पी ई बराबर, ये फॉर्मूला आपको दोबारा लिखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अब जैसे हमने लाल में किया था अनुकूल, लाल के अनुकूल तीन था, वैसे ही बेटा हरी के अनुकूल कितना है, हरी गेंदे कितने हमारे बैग में, चार, तो अपन लिख देंगे चार बटे, बटे में बोलो कुल गेंदे कितनी है, नौ, तो ये चार बटे नौ, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, हरी गेंद ना हो, देखो कभी कभी ना घटना घटित होने की भी प्रायिकता पूछ लेता है और घटना घटित न होने की भी प्रायिकता पूछ लेता है। जैसे इसमें हरी गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछ ली, तो अपन लिख सकते हैं बेटा हरी गेंद न होने की, हरी गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, की प्रायिकता, तो हरी गेंद यदि कभी भी न होने की पूछे तो आपको पी ई बार से प्रदर्शित करना है। अब देखो एक तो देखो सीधा तरीका है कि हरी गेंद ना हो, कि हरी नहीं होनी चाहिए भाई, तो यदि ये हरी है तो ये नहीं होनी चाहिए, यदि हरी नहीं होगी ये नहीं होगी तो कैसी होगी, तो काली होगी या कैसी होगी, लाल, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तीन और दो कितने हो गए, पाँच, तो इसके अनुकूल होगा पाँच बटे, बटा में कितना है नौ, तो ये हो जाएगा पाँच बटे नौ। इसके बाद में दूसरा, दूसरी कंडीशन है कि एक तो ये न होने की सीधा तरीका ये हो गया, और एक न होने का एक दूसरा तरीका भी होता है
कि कभी भी यदि आपको कोई भी, जैसे ये क्वेश्चन था हरी गेंद ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता आपको पहले निकालनी है कि आपको यदि क्वेश्चन में किसी भी चीज़ के न होने की प्रायिकता पूछे तो आपको पहले उसमें होने की प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ती है। जैसे इसमें हमने हरी गेंद होने की प्रायिकता निकाल दी, अब हम निकाल लें कि हरी गेंद ना होने की प्रायिकता, तो ध्यान रखना बेटा एक माइनस होने की प्रायिकता, यह फॉर्मूला होता है होने की प्रायिकता, कि जो ना होने की पूछी है उसको पहले हम होने की प्रायिकता निकालते हैं, उसके बाद में उसको कितने में से घटाते हैं, एक में से घटाते हैं। तो एक माइनस, बोलो होने की प्रायिकता कितनी आई थी हमारी, 4/9। हाँ, तो एक में से 4/9 को घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो 9 एकम 9 जाएगा, 9 माइनस 4, 9 में से 4 कम करेंगे तो 5/ कितना हो जाएगा, 9। ये भी आंसर 5/9 आ गया है और इसका भी आंसर हमारा कितना आ गया है, 5/9। देखो ये दोनों सेम है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया था, और ये कभी भी न होने की प्रायिकता हो तो उसको एक में से होने की प्रायिकता को घटाते हैं। बेटा एक में से एक को पहले लिखते हैं, कई बच्चे हैं जो होने की प्रायिकता के बाद में एक लिखते हैं, बाद में एक लिखोगे तो आपके आंसर नेगेटिव आएंगे और नेगेटिव प्रायिकता कभी भी नहीं होती है, इसलिए एक को हम पहले लिखते हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमसे चौथा क्वेश्चन पूछा है, बोलो यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, काली गेंद कैसी गेंद होनी चाहिए, काली गेंद हम लिखेंगे काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता, होने की काली गेंद होने की प्रायिकता, वही फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, बार बार नहीं लिखूंगा फॉर्मूला। तो देखो काली गेंदें कितनी है बेटा इसमें, बोलो काली गेंदें लाल, काली काली गेंद बोलो 2 हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/ कुल कितना है, 9, इसका आंसर हो जाएगा 2/9। अगर एक चौथा एक क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूँ, 5 नंबर पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, कि अगर यहाँ पे आपको पीली गेंद पूछ ले, पीली गेंद, ये पीली गेंद होने की प्रायिकता पूछ ले, अब देखो आपको पीली गेंद होने की प्रायिकता पूछ ली तो अपन लिखेंगे पीली गेंद होने की प्रायिकता पी ई बराबर, अब बोलो इस क्वेश्चन में देखो पीली गेंदें कितनी है बेटा, बताओ लाल है, काली है, हरी है, क्या यहाँ पे आपको पीली गेंदें दिखाई दी, नहीं है, तो यदि घटना है ही नहीं तो उसके अनुकूल परिणाम क्या जाएंगे, 0। कई बच्चे सीधा ही 0 कर देते हैं, ये चीज़ गलत हो जाएगी, आपको 0 अनुकूल परिणाम उसका 0 है, बटा में कुल परिणाम कितना है बेटा, 9 है, ऊपर 0 तो उसका मान भी क्या जाएगा, 0। इस प्रकार से पूरे सिस्टम के हिसाब से करना है, एकदम से इजी है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, देखो आपको मैं समझाता हूँ, हाँ देखना कि हमें जो क्वेश्चन देगा कि एक बैग में 3 लाल 2 काली जितनी भी हमें गेंदें दे, 3 लाल 2 काली 4 पीली ऐसे कितने भी गेंद दे, आप उनको पहले क्रम से लिखो, यूं आपको यूं क्रम से लिखना है, लाल गेंद, काली गेंद, हरी गेंद, ये सब लिखना है, उसके बाद में जितनी भी गेंदें हैं उसका सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, कुल टोटल हमें करना है। टोटल करने के बाद में जो हमसे पूछता है कि आपको प्रायिकता को पी ई से लिखना है, ध्यान रहे आपको फॉर्मूला निश्चित लिखना है, समझ गए। इसके बाद जो अनुकूल मतलब लाल गेंद पूछे तो क्वेश्चन में जितनी लाल गेंदें हैं वो बटे कुल, हरी पूछी है तो क्वेश्चन में जितनी हरी गेंदें पूछी हैं वो बटे कुल, काली है तो काली, यदि ऐसी गेंद हमें से पूछ ले कि जो हमारे क्वेश्चन में है नहीं तो उसकी प्रायिकता होगी 0, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, 0/ अनुकूल परिणाम 0/ कुल परिणाम 36, तो 0/36 उसका मान हो जाएगा 0। बाकी हम जो आगे वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।